आमिर अपनी फिल्म दंगल को प्रमोट करने निकल पड़े हैं। इस प्रमोशंस के दौर में उन्हें पता है कि उनसे सुल्तान से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाएंगे। हाल ही में उनसे फिर सुल्तान और दंगल की रिजेम्बलेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हम दोनों की फिल्में रेसलिंग पर बेस्ड हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि मैं दंगल टाइटल चाहता था पर ये टाइटल पुनीत इस्सर के पास था। पुनीत इस्सर सलमान के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि वो पुनीत से बात करें और इसके राइट्स मुझे दिलाएं। इमीडिएटली सलमान कॉल्ड पुनीत एंड इंसिस्टेड हिम टू गिव मी द राइट्स। ही हेल्प मी टू गेट द टाइटल। यस, यू हर्ड इट राइट। फिल्म दंगल का टाइटल सलमान की वजह से आमिर खान के पास पहुंचा, वरना शायद टाइटल कुछ और होता। तो कैसे हो सकता है कि सलमान और आमिर के बीच में सब कुछ ठीक ना चले? इवन सलमान ने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको लगता है सलमान डर गए हैं, बट व्हाई विल ही बी स्केयर्ड? He has Dangal and I have read the script of the film. It's way better than my film. Both films are very different. तो कुल मिलाके दोनों फिल्में एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं। अब दंगल का सुल्तान कौन बनता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात कंफर्म है that audience are going to get some very good films this year. पहले आएगी सुल्तान और उसके बाद आमिर की दंगल।